को एक साथ जोड़कर अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार। सैंपल ने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है उसमें लिखा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये अमेरिका की थी। इन्होंने ये बताया है कि मानव भूगोल में के जो दोनों तत्व हैं मानव और पृथ्वी, वो दोनों ही क्रियाशील है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है पर्यावरण में कोई ना कोई परिवर्तन करता रहता है। कृषि है, खनन, लकड़ियाँ काटना, वन आदि क्षेत्रों में अपनी जीविका प्राप्त करता रहता है। पृथ्वी भी दो प्रकार की गतियाँ करती है जिन्हें परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति सूर्य के चारों तरफ होती है जो वार्षिक गति भी कहलाती है, और परिभ्रमण गति दैनिक गति भी कहलाती है जो पृथ्वी की अपने अक्ष पर होती है। इस कारण हम ये मानते हैं कि मनुष्य और प्रकृति दोनों ही परिवर्तनशील तत्व हैं, और दोनों ही तत्वों का जो आपस में संबंध स्थापित होता है वही कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। कि मानव भूगोल की कुल तीन विचारधाराएं हैं जिनमें सबसे पहली है निश्चयवाद। इसका दूसरा नाम पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद भी है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मनुष्य प्रकृति से डरता था। प्रकृति से डर कर वह जंगलों में छुप जाया करता था। इसके जो समर्थक हैं वो हिप्पोक्रेटिस, अरस्तु, जीन बोर्डिन, मोंटेस्क्यू और कार्ल रिटर हैं। अर्थात वह विचारधारा जिसमें प्रकृति का महत्व ज़्यादा है और मनुष्य का महत्व कम है उसे निश्चयवादी विचारधारा कहते हैं। दूसरी जो विचारधारा है वो है संभववाद। संभववाद विचारधारा निश्चयवाद विचारधारा की विपरीत विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अधिक शक्तिमान है और प्रकृति कम शक्तिमान है। अर्थात मनुष्य प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन करता है। इसके समर्थक दो भूगोल शास्त्री हैं जिनके नाम विडाल डी लाब्लास और फेवरे हैं। यह विचारधारा सर्वप्रथम फ्रांस में विकसित हुई थी और इस विचारधारा में प्रकृति के महत्व को नकार कर मनुष्य का महत्व स्थापित किया गया है। क्योंकि मनुष्य पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन करता है। उसने वनों को जला करके कृषि करना सीखा, पत्थरों को घिसकर औजार बनाया, शिकार करना सीखा।